एमआई के फैन हो गए हैरान जब रोहित और पांड्या हो गए मुंबई इंडियंस से बाहर। दोस्तों क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं मुंबई इंडियंस के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों आईपीएल 2021 के दूसरे चरण के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस को तगड़ा झटका लगा है। टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा टॉस के लिए मैदान पर नहीं उतरे और टॉस के दौरान किरण पोलार्ड ने रोहित शर्मा के इंजरी की जानकारी दी। हालांकि इस मैच से पहले वार्म अप के दौरान रोहित शर्मा अनफिट दिखाई दिए थे, टीम के फिजियो उनके साथ काम करके उनकी चोट का आकलन कर रहे थे। अंत में रोहित शर्मा का मैदान पर नहीं उतरने का फैसला लिया गया। वहीं टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को भी पहले मैच में चोट की वजह से टीम की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। हालांकि किरण पोलार्ड ने कहा कि रोहित शर्मा को लेकर कोई चिंता करने की दरकार नहीं है और रोहित शर्मा जल्द ही मैदान पर लौटेंगे। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम ने अनमोल प्रिंस सिंह को भी डेब्यू करने का मौका दिया। यूएई लीग के पहले ही मैच में मुंबई इंडियंस के लिए जब रोहित शर्मा मैदान पर नहीं उतरे तो क्रिकेट फैंस मायूस हो गए और सबके मन में यही सवाल उठ रहा था कि रोहित शर्मा आखिर कब मैदान पर उतरेंगे। अब मुंबई इंडियंस की टीम के हेड कोच महिला जयवर्धना ने बताया है कि आखिर रोहित शर्मा कब फिर मैदान पर उतरेंगे। महिला जयवर्धना के मुताबिक अब रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के अगले मुकाबले में फिर से खेलते हुए नजर आएंगे। मुंबई की टीम अब अपना अगला मैच 23 सितंबर को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलेगी और तब तक रोहित शर्मा फिट हो जाएंगे और मैच भी खेलेंगे। आपको बता दें कि रोहित शर्मा इस लीग में सबसे सफल कप्तान है और उन्होंने अपनी टीम को अब तक 5 बार आईपीएल खिताब जिताए हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में पिछले साल मुंबई की टीम ने यूएई में रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब जीता था। तो दोस्तों ये थी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की इंजुरी से जुड़ी एक ब्रेकिंग अपडेट। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।